हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू मास्क रिएक्शंस। कैसे आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग रियली गुड। रिएक्शन करने लगी हूँ आज मैं फर्स्ट टाइम द UK07 राइडर पर। सो नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई राइडर होने वाला है। सो ये सजेशन दिया है DS अशु ने या आशु ने। सो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, और आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं वीडियोज़, कॉमेंट्स कीजिए, या फिर इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं सबके मैसेजेस देख लेती हूँ। और लिंक जो है इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में होता है। सो इसके अलावा इस वीडियो का लिंक भी दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो इस वीडियो को हम प्ले करते हैं, चेक करते हैं। वैसे बाइक्स की ये जो व्लॉग मैं अभी देखने वाली हूँ वीडियो, इस पे बाइक्स बनी हुई हैं, लेकिन मैंने जब चैनल चेक किया था तो काफ़ी अच्छे व्यूज़ थे, और उस पे गाड़ियाँ भी बहुत बनी हुई थी। तो आई थिंक गाड़ियाँ और बाइक्स दोनों के राइडर हैं वो। सो देखने लगी हूँ कि मैं कैसी वीडियो होने वाली है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड लेट्स प्ले द वीडियो। Check this out. Here we have got our H2. हम लोग फाइनली अपनी मॉडिफाइड H2 में निकल चुके हैं। सब लोग देखने आए हैं भाई। मॉडिफाइड बाइक को चला रहा हूँ, जिस मॉडिफाइड बाइक का सपना ना 4 साल पहले देखा था। ओहो, 4 साल बाद सपना पूरा हुआ है। एंड बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे कि बाबू भैया हम आपकी टीम में कैसे जुड़ सके। मतलब कोई टीम भी है, राइडर्स की टीम होगी कोई। So hey guys, good morning. Welcome back to the new episode. So guys, he is UK07 rider. आखिरी दिन हो रही है guys from रोहिला भैया होम। इतने दिन से guys हमारी H2 modification के लिए चल रही थी, and finally आज हमारी H2 fully modified हो जाएगी। अभी हम लोग ना रोहिला भैया के घर पे, and रोहिला भैया के घर पे सगाई सगाई का कुछ प्रोग्राम चल रहा है guys। तो सुबह से बहुत ज्यादा भीड़ हो रही थी, प्लस अपने सब्सक्राइबर्स भी थे। बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगा विकास नगर के लोगों के लिए, थैंक यू सो मच यार इतना ज्यादा प्यार देने के लिए, और बहुत अच्छे लोग। विकास नगर, अच्छा ये राइडर जो है UK07 कहाँ से है? मुझे पता है यार, मेरी जनता ना बहुत सेंसेबल है, बहुत मैच्योर इन सब चीजों के लिए। फिलहाल आज का जो वेदर है गाइस, चेक दिस आउट, पूरा बारिश बारिश एंड फॉग फॉग वाला हो रहा है। कल रात से ही फॉग हो रही थी। अभी फिलहाल ना बहुत सारे लोग नीचे वेट कर रहे हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, सब लोगों से मिलेंगे मिलेंगे। सुबह से ना बहुत वेट करा है लोगों ने, बट मेरा व्लॉग लाइव करना था, फिर एक स्पॉन्सर शूट करके देना था। अभी हम लोग हो चुके हैं तैयार। ये डेली व्लॉगिंग होती है ना इनके चैनल पे। आज अपने घर जा रही है ना? श्योर, राइट। अच्छा, अब मैं इन लोगों में से को नहीं अभी फिलहाल जानती, अगर मैं रिएक्शन करती रहूंगी तो फिर जान जाऊंगी, तो मजा आएगा देखने का ज्यादा। ऑलवेज देयर। तो फटाफट फटाफट नीचे चलते हैं गाइस, एंड आपको दिन में शो दिखाते हैं गाइस कैसी लग रही है। गाइस विकास नगर से जितनी मोहब्बत मिल रही है उतनी कम ही कम है, और लॉन्डो ने ना जान खा रखी है प्यार से। बट ये देखो कितने लोग आए हुए हैं। इन लोगों के साथ फोटो फोटो करवाता हूं, फिर निकल गया। सब ने कैमरे पकड़े हुए हैं और सब सेल्फीज लेने आए हैं। मतलब कि वो काफी ज्यादा पॉपुलर फेमस है यार। फोटोज फोटोज हो गई थी सब लॉन्डो के साथ, एंड चेक दिस आउट भाई, लॉन्डो के साथ। मैं बता भी नहीं सकता गाइस, ये ऐसे लोग हैं जो मैं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, ऐसे भाई मिले ना मैंने पक्का कुछ अच्छे काम करेंगे। एक भाई ये मिला है मेरे को और एक भाई ये मिला है, भाई बता नहीं सकता गाइस, ये लोग हर हर पॉइंट पे साथ देते हैं। थैंक यू सो मच भाई, बट मैं कर देता हूँ, है ना? अरे भाई सच्ची में मैं कर देता हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं नहीं करने दूंगा, प्लीज कर, जब तक मत करो मत, प्लीज। गाइस ये जो पूरी बाइक बनाई है ना रोहिला भैया, ऑल क्रेडिट गोज टू रोहिला भैया, थैंक यू सो मच। और ये इनकी प्यारी सी बेटी आरू, आरू ना, मैं जब आरू पहचान रहे हो मैं कौन हूं? पहचान रहे हो कौन हूं मैं? पहचान रहे हो? फिलहाल गाइस अभी हम लोग बाइक को करने कोल्ड स्टार्ट, एंड अभी हम लोग यहां से जा रहे हैं प्रेमनगर, बिकॉज बाकी मॉडिफिकेशन नहीं होगी। हम लोगों ने बस यहां पर बेस गिरा दिया था, अब मेन कस्टम हमारी प्रेमनगर होगी। सो कोल्ड स्टार्ट करते गाइस। और कैसी लग रही है अभी तक बाइक, ये बताओ? शर्ट्स के ऊपर ऑटोग्राफ, नाइस। अच्छा लोग सेल्फीज लेते हैं आजकल, लेकिन मैंने काफी देर बाद देखा है कि किसी ने ऑटोग्राफ भी लिया है। बाबू भैया आई थिंक कहा जाता है, सब बाबू भैया कहते हैं। बॉयज फाइनली वी आर रेडी टू गो, एंड बाइक हो रही हमारी कोल्ड स्टार्ट। चेन लगा लेते हैं, और बाहर ना बहुत ज्यादा ठंडा है, आई रियली डोंट वांट कि ठंडा लगा। अच्छा ये व्लॉग आई थिंक सर्दियों में बना था। इसमें ना पता है वो वाला ब्रीदिंग सिस्टम नहीं है जो एको में, नॉर्मली एको में जो ब्रीदिंग सिस्टम है ना वो ऐसे ऐसे करके। गाइस अब निकाल रहे हैं H2 को बाहर, थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है इसको बाहर निकालना। ग्रीन एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन में है। गाइस हम लोग निकल रहे हैं, सब बच्चे कितने एक्साइटेड हो रहे हैं। Oh, my God.
हेलो आरू भैया, आप कितनी देर में आ रहे हो वहाँ पर? मैं ठीक है। हाँ मेरे को कॉल कर देना जब आप भव्य के घर से सामने से निकलोगे ना, हम आप ही के पीछे बैकअप पे निकल लेंगे। भाई शीशे बचा के, शीशा बचा के, शीशा बचा के भाई शीशा बचा के। चलो ठीक है भाई, ओके 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 भाई, चलो ठीक है भाई, ओके भाई बाय बाय। तुम्हारे साथ तो 50 फोटो होंगी मेरी। चलो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच भाई फॉर एवरीथिंग। भाई मिलते हैं जल्दी। हाँ आई वे नंबर, मैं होता है कुछ कॉन्टैक्ट करता हूँ। ठीक है ठीक है, डन डन, मैं खुद अपने नंबर से कॉल करता हूँ। ठीक है भाई, ओके ओके भाई, चलो बाय बाय। आई थिंक अब जाने वाला है यहाँ से। तो यार हम लोग निकल चुके यहाँ से। ओहो फुल स्पीड। चेक दिस आउट गाइस, चेक दिस आउट। हम लोग फाइनली अपनी मॉडिफाइड निकल चुके हैं। इसका ये शीशा ना भयंकर अभी और डैमेज हो चुका है पूरा पूरा। ओ भाई क्या मजा आया भाई, लेकिन यार क्या मस्त लग रहा है इसका ये बेस। फिलहाल यार मैं अभी इसे चलाना सीख ही रहा हूँ। कितनी स्मूथ लग रही है ना, बिकॉज़ ज्यादा तेज स्मूथली आगे जा रही है। सही स्पीड में जो है ना वो स्पीड चेक भी हो रहा है एक किस्म का। ये तो मुझे ऐसे देख के लग रहा है जैसे मैं भी बाइक राइड कर रही हूँ मतलब देखने में ही काफी मजे की चीज लग रही है। एंड द थिंग इज गाइस, मेरे को ना एस2 पे यही थीम चाहिए थी एंड मैं भी रुक करके आपको दिखाऊंगा। अभी बस इसकी बेस लाइन गिरी है एंड अभी आउटलाइंस मेन जो थीम है ग्राफिटी की वो अब आएगी। बट इस थीम में ना ये भयंकर लग रही है। अभी हर रील भी ले रहा है भाई, खतरा लग रही है गाइस ये गाड़ी, खतरा। पूरी लुक भी सही राइडर्स वाली है, ग्लव्स एंड हेलमेट एंड एवरीथिंग। अच्छा ये वीडियो कौन बना रहा होगा आप सामने? हाँ, जिस मॉडिफाइड बाइक को चला रहा हूँ, जिस मॉडिफाइड बाइक का सपना ना 4 साल पहले देखा था। आई नो मैं बहुत बारी बोल चुका हूँ बट दिस इज अ ड्रीम फॉर मी। ओ भाई गाया आगे थी, गाया आगे थी, आराम से चलाना पड़ेगा। अब इसमें ना एक दिक्कत अंदर नहीं क्यों आ रही है, इसके ना हजार्ड नहीं जल रहे हैं, एक बार जल के ना बस बंद हो रहा है। मुझे कावासाकी में दिखाना पड़ेगा, इसके हजार ना कॉन्टिन्यूस नहीं चल रहे हैं। वाओ कहां कहां प्रेम नगर जा रहा था ना। कॉकपिट आउट गाइस, क्या मस्त लग रहा है। एंड अभी तो इस पे ना कुछ काम नहीं हुआ है एंड अभी तो मेजर मॉडिफिकेशन अभी इस पे बची है वो कंप्लीट होने के बाद। मैं तो सोच रहा हूं कितना मजा आ रहा होगा ऐसे ओनली वन इन एच2 इन इंडिया क्लीन सड़क पे ऐसे बाइक पे जाने का, इतना फास्ट और वो भी मॉडिफाइड बाइक। आई गेस ये ठंड के कारण कुछ दिक्कत दे रही है अभी तो इसके। कभी कभी ऐसे लगता है जैसे बाइक्स और मोर कूलर देन कार्स, अलग ही लगती है। आई गेस इसका जब से शीशा टूटा ना कोई तार तूर का इशू हो रखा है अंदर से। बट यार इसके शीशे को आने में ना ऑलमोस्ट लाइक 45 दिन तो भी लगेंगे ही लगेंगे। तब तक हम लोगों को कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। इसका ये पार्ट ना बहुत महंगा पड़ा है मेरे को। H2 लेना बहुत ईजी बात है बट इसे मेंटेन करना ना बहुत मुश्किल है। तो इतने सालों बाद सपना पूरा हो तो फिर तो ज्यादा मेंटेनेंस पे ध्यान देना पड़ता है, बहुत महंगी पड़ेगी अगर इसका कोई डैमेज पड़ गया। प्लीज गाइस इट्स अ रिक्वेस्ट है ना। अभी फिलहाल हम लोग ना भव्य के घर जा रहे हैं बिकॉज़ रोहिला भैया को आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उनके घर में शादी जुदी का फंक्शन है। उन्होंने मेरी गाड़ी रैप कर भी दी, बहुत बड़ी बात है। बट रोहिला भैया दिल लगा करके गाड़ी पे काम करते गाइस, हैट्स ऑफ टू हिम। अभी हम 2 दिन उनके घर ही थे, इतने अच्छे से रखा ना उनके परिवार वालों ने। अच्छा मतलब किसी के घर में वो स्टे किया हुआ है। भाई साहब H2 को लेकर के जो रोड टेंशन है ना वो किसी और बाइक की नहीं है भाई, ऐसी कोई मुंडी नहीं है गाइस जो पीछे ना मुड़ रही हो। और पता है आपको मुंडी एग्जॉस्ट का भी फुल सिस्टम भी नहीं है, इसका एग्जॉस्ट केवल अभी डी कैट है। अगर मैं इसका एग्जॉस्ट ना फुल सिस्टम करवा लूंगा तब तो इसकी आवाज ना 5-6 किलोमीटर तक आएगी। बट मेरे को ना अब इसके एग्जॉस्ट पे कुछ नहीं करवाना बिकॉज ये जो वेसल की आवाज सुन रहे हो ना ये बहुत अमेजिंग है यार, कसम से इसमें जो मजा आता है। बस बाइक हो तो ऐसी जिसकी आवाज से सब मुड़ मुड़ के देखे। सारे पैसे विसल के गाइस, सारे पैसे विसल के। एंड अभी तो ये लॉन्ग रूट पे कहीं गई नहीं है, मुश्किल से मुश्किल 50-100 किलोमीटर मैंने अभी तक इसे 124 किलोमीटर चलाया है एग्जैक्ट। 124 किलोमीटर में ना मेरे को बाइक का कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है अभी बिकॉज गाड़ी को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप लॉन्ग रूट पे नहीं जाते। आजकल ना बहुत सारे लोग 10-15 किलोमीटर चला के गाड़ी का रिव्यू कर देते हैं, गाड़ी का रिव्यू ना तब तक नहीं कर सकते जब तक आप कम से कम उसे 4-5 हज़ार किलोमीटर चला पाते हैं। अब ये तो एक राइडर ही सही तरह बता सकता है। रिव्यू करने की औकात नहीं है भाई, ये पावर ना ओवर है।
अभी फिलहाल हम लोग भव्या घर पहुंच चुके हैं गाइस, मुझे उसकी गली देखनी पड़ेगी कौन सी वाली है। भव्या कौन है? देहरादून का वेदर चेक करो यार, बारिश होने लगी है भाई। देहरादून में ना बारिश होने लग गया है। अगर यहाँ पर बारिश हो रही है ना तो देहरादून में है वो, मैंने सुना भाई है ना, धनौल्टी में तो फॉर श्योर बर्फ पड़ चुकी होगी। पहुंच चुके हम लोग भव्या के घर। ये इसका स्टैंड कहां से खुलता है? चेक दिस आउट गाइस, अब देखूंगा मैं अश्टू को। वो बहुत खुश लग रहा है यार, क्या सेक्सी लग रही है, मैं आपको बता भी नहीं सकता कितनी मस्त लग रही है गाइस। So और इसके मेन फ्रेम नहीं गए, हम लोग ये सोच रहे हैं इसकी जो ये वाली आउटलाइन है ना, ये वाली आउटलाइन पूरी हटा दे, बिकॉज उसके बाद ना ये और क्लीन लगेगी। एंड अभी इसके ऊपर जब ग्राफिक्स लगेंगे ना, कोई मैच नहीं कर पाएगा इसे। ये चेक करो H2 का ये वाला लुक, खत्म। कमेंट सेक्शन में लिख दो यार ये कैसी लग रही है फिलहाल के लिए। एंड अभी आज पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर तबाही सीन्स गाइस, तबाही। सो हेमलो जी, फाइनल गाइस हम लोग पहुंच चुके थे भव्या के घर। और अच्छा ये भव्या है, लेकिन भव्या है कौन? H2, क्या मस्त लग रही है, क्या मस्त लग रही है। मैंने सोचा नहीं था गाइस ये मॉडिफाई, आधी मॉडिफाई होकर कैसे लगेगी। अब इस पे ना दो तीन चीजों का चेंजेस मैं करवा रहा हूँ। हमारे जो रैप अप होते हैं ना वो हमेशा ओरिजिनल रहते हैं गाइस, तो इसका जो सबसे बड़ा मॉडिफिकेशन होगा वो ये होगा। हम लोगों ने कल रात जो UK07 ऐसे छपाया था वो हम नहीं छपा रहे, हम लोग केवल इस छोटे वाले पोर्शन में ना द UK07 राइडर लिखा रहे हैं। एंड गाइस यहाँ पर हम लोग लिखाएंगे H और इसके नीचे यहाँ पे लिखाएंगे 2, और यहाँ पर जो छोटा छोटा एरिया बचेगा वहाँ पर शायद सुपर चार्ज डाल दें। बट मुझे काफी कुछ अभी लिखवाने वाला बाकी है ऊपर, है ना? सही नहीं लग रही ना ये वाली? ना ऑड लग रही है ना, क्योंकि आगे से देखो गाइस, आगे से ना बहुत ज्यादा क्लीन लग रही है गाइस। तो ये वाली जो स्टेप है ना मैं उसको भी निकाल दूंगा। लास्ट का जो मतलब इतना शौक है उसको कि इतने डिटेलिंग में जाके वो जो है वो सारा जायजा ले रहा है, और फिर जो उसके लुक्स होंगे वो खतरनाक। एक चीज और मेरे दिमाग में आ रही है कि ये जो अंदर वाले H2 के दिखाएंगे, ये वाले H2 का जो ये वाला साइड है ना, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये वाला हम लोग सोच रहे हैं एक स्ट्रिप व्हाइट, एक स्ट्रिप ग्रीन, एक स्ट्रिप व्हाइट और एक स्ट्रिप ग्रीन, और लास्ट में गाइज यहाँ पर आ जाएगा कर्मा, बिकॉज हमारा कर्मा हमारे पास है और लोगों का कर्मा लोगों को मिल रहा है। तो एक परफेक्ट चीज चाहिए, परफेक्शन के साथ पूरी बाइक बनानी है उसको। So guys, बाइक से इतना प्यार है, बाइक को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे गर्लफ्रेंड है उसकी। आंटी की तबीयत कैसी है बताओ पहले? अब ठीक है ना, इतने सारे लोगों ने आपके लिए दुआएं करी, पता आपको कमेंट सेक्शन में कि भव्या की मम्मी जल्दी ठीक हो जाए। फिलहाल अभी आंटी छिल रही है प्याज, और खाने में क्या बनाया आंटी बताओ? चने चावल। ओके गाइस, तो चने चावल बनाए। फिलहाल हर्ष के लिए मैं बैंगन लेकर के जा रहा हूँ। हर्ष ये ले, आंटी ने बोला तेरे को देने के लिए। थैंक यू भाई, आज इसका भरता बनाऊंगा। फिलहाल यार हमारा खाना आ चुका है, हम लोग दिन में खाना खा के नहीं निकले थे, रोहिला भाई इंसिस्ट कर रहे थे बट हमें उस टाइम भूख नहीं लग रही थी, तो फिलहाल अभी खाते गाइस खाना और फिर रोहिला भैया को फोन करेंगे और निकलेंगे प्रेमनगर। सो हेमलो जी, गाइस मेरे साथ क्या हुआ, हम लोग ना अंदर बैठे थे एंड उसके बाद ना मेरे को नींद आ गई और फिर मैं सो गया गाइस, और मैं इसलिए सो गया बिकॉज बाहर ना बहुत भयंकर बारिश हो रही थी। मैं आप लोगों को मोटर ब्लॉग में बता ही रहा था कि बारिश होने वाली है देहरादून में। सो अभी हम लोग भव्य के घर थे गाइस, और अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं घर, बहुत दिन हो गए देहरादून। मैंने सुना हुआ है शायद एक कोल्ड एरिया वालों के साथ आज इतनी मस्त कॉन्वर्सेशन। आज हमने भव्या के घर वालों को बताया कि भव्या कितनी अच्छी इंग्लिश बोलती है। हु यू कम आई गो। मैं आपको ना एक दिन का किस्सा बताता हूं गाइस, हर्ष और मैं बैठे हुए थे, हम दोनों ना गाइस बताते हैं आपको, हम दोनों ना बैठे हुए थे, एक बहुत मीटिंग चल रही थी बहुत भयंकर वाली, सब ना इंग्लिश में बात कर रहे थे, तो सामने पहले मैं बोल लेता हूँ फिर बताएंगे। तो सामने वाला बंदा ना बिजनेस मीटिंग चल रही है एकदम फुल पावर, सामने वाला बोल रहा अनुराग लाइक हाउ लॉन्ग यू हैव बीन परस्यूइंग द यूट्यूब इंटरनेट एंड लाइक व्हाट्स योर ग्रोथ ओवरऑल। तो हर्ष भी इंग्लिश में जवाब दे रहा था और मैं भी इंग्लिश में ही बोल रहा था गाइस। तो इस भव्या को सूसू लगी थी बहुत तेज, इसके हॉल हो रही थी मेरी बारी आने वाली है। तो इसके हॉल हो रही थी, रुक जा भव्या, ये ना एक्सक्यूजेस बनाने लगी। तो मेरे को ना पहले व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर रही थी कि हो सकता है ये कजन है या फिर फ्रेंड्स है, दिखा दूंगा अगर कि निकलते हैं, अगर तुम्हारा मैसेज होगा कि निकलते हैं, अगर तुम्हारा मैसेज होगा कि निकलते हैं, मतलब वहां से निकलते इंग्लिश बोली जा रही है। तो फिर उसके बाद ना उसके बाद ना सामने वाला एक बंदा था गाइस, उसने बोला कि शुड वी गो आउट फॉर डिनर, तो भव्या ना वहां से बोलती है उसे या यू गो आई कम। यू गो आई कम वेलकम।
They are cute. और मैं हर्ष और मेरे दिमाग में एक चीज आई, मैंने कहा ब्रांड डील तो गई गई, इज्जत भी गई गई हमारी. फिर वो चला गया, बोली हुई थी हुई थी हुई यू हुई यू हुई यू. और फिर उसके बाद भव्य बोल रही हुई यू हुई यू. बस मेरा तो कहा था हमारी कना घर का नाम आ गई ना, तो बस बात खत्म. हनी नहीं है, हनी HONNEY गाइस स्पैम कर दो. और मधुमक्खी भी बना के आना. बंदरी भाभी, तुम्हारा नाम बंदरी है? लग गई है उसको. ये दोनों बैड भाई होंगे, पर लड़का मारता ये उनका क्या लगता है? मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है. ऑफेंड होने के बाद मैंने कहा बोला ये करके दिखाना भाभी, ये ना फालतू व्लॉग मत करो. So guys, we are leaving from here. गुस्सा आ गया भाभी को. हाँ तो ठीक है, ओके गाइस चलो भाई चलो. सो गाइस फाइनली निकल रहे हैं यहाँ से, एंड आज भव्या नहीं जा रही हमारे साथ. नहीं जा रही है ना, गाड़ी अगर खुली और उसके अंदर बैठी कि मैं चल रही हूँ, फिर देखना भव्या सेल्फ रिस्पेक्ट ठीक नहीं है सच्ची में. भव्या सोचानी नहीं आ रही, हम कल आएंगे नहीं. क्यों आए भाई, क्यों आए हम, क्यों आए हम लोग? यू गो आई कम, हटो फिर. अंदर मत बैठने दी और लॉक कर ले. अच्छा वो गाड़ी में जा रहे हैं, मैं सोच रही थी बाइक पे तीनों कैसे जाएंगे. मेरे हाथ छोड़ भाई, मेरे हाथ छोड़, इसे मेरे हाथ पकड़ लिए. बबे सच्ची में लेके जा रहे तुम्हें? नहीं नहीं सच्ची में. शीशा टूट रहा है. हाँ तो जाओ जाओ अंदर जाओ. क्या हुआ, हो गई अंदर तो बहुत. चल गेट खोल, जाएगी साथ या वापस घर जाएगी? चलो गेट खोलो, गेट खोलो, गेट खोलो, गेट. निकल चुके थे और रास्ते में चेक दिस आउट, यहाँ देखो भैंस की डांग, कितनी भयंकर बारिश हो रही है गाइस. एंड देहरादून में ना दो तीन दिन से ना बारिश की चेतावनी दे रखी थी, बट चेक दिस आउट गाइस, हमारे साथ हर्ष भी है और एक और नया बंदा है, वी हैव गॉट शदाब टू. एंड अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से हरिद्वार, बिकॉज कल सुबह ना हम लोगों को हार लेकर के आनी है गाइस. एंड एक मर्चेंडाइज की बिजनेस मीटिंग भी है. आई एम रियली एक्साइटेड गाइस मर्चेंडाइज के लिए. दो तीन दिन में ना हमारे पास डिजाइन फाइनल हो जाएंगे, एंड फिर जितने भी ब्रोसेना के मेंबर्स है ना जो हमारे ग्रुप में ऐड होंगे, उनके लिए हम लोग स्पेसिफिकली एक टी शर्ट लॉन्च करें गाइस. बिकॉज पता क्या होता है, जब हम लोग अलग स्टेट में जाते हैं या फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी जाते हैं, तो हमें चाहिए भाई लोग जो हमारी टीम में जुड़ सके. एंड बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे कि बाबू भैया हम आपकी टीम में कैसे जुड़ सके. तो दो तीन दिन में गाइस ये मर्च का सब कुछ फाइनल हो जाएगा, एंड मेरे पास दो दिन में कुछ सैंपल आ जाएंगे, एंड फिर हम सब लोग एक ऐसी कम्युनिटी बनाएंगे इंडिया में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी होगी गाइस. आई रियली कांट वेट फॉर द मर्चेंडाइज टू कम गाइस. फिलहाल अभी जस्ट हरिद्वार पहुंचते गाइस और मिलते हैं आपसे. ये बारिश पे कंसंट्रेट कर लेता हूं चलाते हुए, इधर उधर नहीं जाना मेरे को. ओके सो ये व्लॉग था, फर्स्ट व्लॉग जो मैंने देखा है UK07 राइडर. वैसे नाम क्या है मुझे इनका नाम नहीं पता, लेकिन सब बाबू भैया कह रहे थे. सो ही इज क्वाइट यंग. और इसके अलावा मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, वो ये है कि भव्या कौन है. और दूसरी चीज़ ये है कि कौन सा ग्रुप जो है वो इनका है. हो सकता है कि कोई राइडर्स का ग्रुप हो या कुछ इस टाइप का हो, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा बता देना ताकि मैं जान सकूँ ज़्यादा अच्छे से. अभी मैंने स्टार्ट किया देखना, तो ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं जान लूँगी कि व्लॉग्स में जो जो नज़र आता है वो कौन कौन है. सो अच्छा व्लॉग था. 4 साल के बाद जो बाइक का शौक पूरा हुआ, तो पता चल रहा था कि इतने सालों का शौक पूरा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से वो बाइक को देख रहा था ऐसे लग रहा था जैसे बाइक नहीं है उसकी गर्लफ्रेंड है, और बार बार कैमरे में बाइक दिखाना. सो इट वाज वेरी स्वीट. और अब मैं एक गाड़ियों से रिलेटेड वीडियो प्रोडक्शन करूँगी, जो कि मैंने कुछ थंबनेल जैसे देखे हैं जिसपे गाड़ी बनी हुई थी, सो आई होप के वो गाड़ी वाली होंगी. सो लेट्स सी कि आगे मैं किस पे रिएक्शन करती हूँ. सजेस्ट करते रहिए आप. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ. तब तक के लिए गुड बाय.